बताइए। सौरभ सुमंजा। हाँ सौरभ जी, ये आप यहाँ थाई बॉक्सिंग की चैंपियनशिप करा रहे हैं, किस किस एज के बच्चे हैं, कहाँ करा रहे हैं आप और कितने बच्चे किस एज ग्रुप में खेले हैं? इसमें 6 इयर्स अबव खेलते हैं, 7 to 9 इयर्स से स्टार्ट होता है। इसमें अंडर 12, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 तक खेला जाता है। और यहाँ पर हमारे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, और एक सेल्फ डिफेंस के तौर पे, और स्कूल गेम्स में भी ये है, ये गेम थाई बॉक्सिंग का। और यहाँ पर अभी स्टेट चल रहा है, 8th दिल्ली स्टेट है ये। और अभी हमारे पास, अभी जो ये बच्चे दिल्ली स्टेट में सेलेक्ट होते हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, ज़्यादातर उनको चांसेस मिलता है नेशनल में खेलने के लिए। गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह जो होते हैं वो डायरेक्ट सेलेक्ट होते हैं नेशनल में खेलने के लिए। नेशनल के बाद इसमें प्लेटफॉर्म मिलता है, और स्कूल गेम्स के लिए ट्रायल दिए जाते हैं, उसमें फिर स्कूल गेम्स के लिए सेलेक्ट होते हैं। फिर ये हमारे दिल्ली से रिप्रेजेंट करते हैं 40 बच्चे, जो छत्तीसगढ़ में अभी अपकमिंग 64th स्कूल गेम्स होगा उसमें रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है, तो जो भी हमारे गरीब तबके के बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, जो अच्छा इसमें परफॉर्मेंस देता है और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करता है, उनके लिए सबसे बेस्ट ये गेम। अगर बात की जाए तो थाई बॉक्सिंग का बच्चों के लिए खुद में सेल्फ डिफेंस के लिए कितना महत्व है? सेल्फ डिफेंस के लिए मैं आपको बताऊं तो सर, सबसे बेस्ट, इंडिया भर में लाखों बच्चे खेल रहे हैं इस टाइम, इंडिया भर में लाखों बच्चे खेल रहे हैं। और हम इस गेम में, एक व्यक्ति के 8 हिस्से होते हैं खेलने के लिए या अपनी रक्षा करने के लिए, और वो 8 के 8 हिस्से आपके दोनों हाथ, दोनों एल्बोज, दोनों नीज एंड दोनों लेग्स के साथ टोटल प्रैक्टिस करी जाती है, जिसमें ये व्यक्ति पूरी तरीके से अपने आप को सेल्फ डिफेंस में ढालता है। और बच्चे की शुरू से इस तरीके की परवरिश, जो इस तरीके की गेम में जब हम सिखाते हैं, तो उनके जीवन के लिए भी अच्छा है। वीडियो गेम्स आप देख ही रहे हैं, आजकल बच्चे कुछ ज़्यादा ही इनमें घूम रहे हैं, लेकिन अभी गेम में आने के बाद ये अलग तरीके का एक इनके लिए प्लेटफॉर्म बनता है। ये हमारे ज़मीन से जुड़ते हैं, बाहर आके खेलना चाहते हैं, इनसे हम, इनकी वजह से इनके शरीर में स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा रहता है। स्पोर्ट्स इंडिपेंडेंट हो, और स्पोर्ट्स तो, और दूसरे स्टेटों से मिलने के बाद कल्चरल जो एक्टिविटी होती है, एक दूसरे का सम्मान, ये सबसे ज्यादा इसमें होता है। मेरा नाम शरणप्रीत कौर है और मैं पुणे महाराष्ट्र और एमपी में खेली हूँ, और अभी मैंने गोल्ड मेडल जीता है। मैं इसका कोच और इसका बड़ा भाई भी हूँ, और इसने पिछले 3-4 सालों से ये कंटिन्यू थाई बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही है, और ये महाराष्ट्र, पुणे, पंजाब और भी नेशनल और स्टेट लेवल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया और जीती भी है। और अभी ये गुजरात जाएगी, अभी ये अभी जो 8th दिल्ली चैम्पियनशिप हो रही है हमारी स्टेट लेवल की, तो उसमें इसने अभी गोल्ड जीता है, और इसके बाद अभी ये गुजरात के लिए पार्टिसिपेट करेगी, और इसमें किस्मत होगी तो फिर गोल्ड भी जीतेगी।